नहीं रखे तो ये क्या है। इसी तरह एक और चीज जो दाढ़ी नहीं रखने की एक बहाना है वो ये है कि दाढ़ी रखना जो है जरायम पेशा गलत लोगों का जो है वो रहता, ठीक, जरायम पेशा लोगों की आदत है। और आज तो नया है टेररिस्ट लोग दाढ़ी रखते हैं, अभी थोड़ा इजाफा हो गया, पहले जरायम पेशा थे गुनाहगार लोग जो जरायम करते, और अब नया है टेररिस्ट भी रखते ना, लिहाजा दाढ़ी नहीं रखना। दाढ़ी रखे तो क्या होता, बहुत मुश्किल हो जाती है, टेररिस्ट हो जाती, पुलिस की नज़र, ATS की नज़र, मिलिट्री की नज़र, नेवी की नज़र, एयरफोर्स की नज़र और पूरे दुनिया की नज़र तुम पे हो जाती। मैं कहता हूँ पूरे हिंदुस्तान के 15 करोड़ में से समझो 7 करोड़ अगर मर्द है, 7 करोड़ दाढ़ी रख ले लोग, तो किस किस के पीछे कितनी नज़र लगाएंगे, कौन सभी वो काम करे तो क्या करेंगे, समझ रहे बात को, कुछ भी फालतू बातें, कोई नजर नहीं है आप पर किसी की भी, बस एक बहाना बना लिया कि नहीं बोले वो गुनाहगार लोग रखते हैं तो पुलिस और वो रहती पीछे, और अब तो टेररिस्ट रखते दाढ़ियां, लिहाजा टेररिस्ट देखिए दाढ़ी रखते हो, टेररिस्ट मोबाइल फोन भी इस्तेमाल करते, मोबाइल इस्तेमाल करना टेररिस्ट इस्तेमाल करते, मोबाइल फोन, टेररिस्ट चप्पल भी पहनते, जूता भी पहनते, टेररिस्ट चप्पल जूता पहनते नहीं पहनना चाहिए, पैंट और शर्ट भी पहनते कभी, कुर्ता और पजामा भी पहनते कभी, है ना, अब सब छोड़ देना उन्होंने जो जो करते, नहीं तो फिर सिर्फ दाढ़ी छोड़ के बाकी सब कर रहे आप, क्या ये सब बहाने हैं, सिर्फ इसको छोड़िए तो कोई नजर वजर नहीं थी, कोई जराम पेशा लोग ये नहीं करते। हाँ कुछ लोग दाढ़ी रख के गलत काम करे, इसका मतलब थोड़ी सारे दाढ़ी वाले गलत रहते, ये तो कोई बात ही नहीं, ठीक। इसी तरह जो है